चलिए, पंचायत इलेक्शन कब स्टार्ट हुआ? 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 24 का XGC, तो XGC क्लब है, ठीक है, एक्समैन ग्रुप क्लब स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बैकग्राउंड देखिए कहाँ लागू। देखिए सबसे पहले राजीव गांधी ने स्टार्ट किया, राजीव गांधी ने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या है कि नरसिम्हा राव ने उसको स्टार्ट करवाया, ठीक है। क्या बोलते हैं, राजीव गांधी ने स्टार्ट किया, राजीव गांधी ने स्टार्ट किया बट वो पास हुआ नहीं, राजीव गांधी ने स्टार्ट किया बट वो पास हुआ नहीं, उसके बाद क्या किया आपका नरसिम्हा राव ने। तो राजीव गांधी से याद हो राजस्थान और नरसिम्हा राव तो आंध्र प्रदेश, तो पहले वहाँ स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये राजस्थान पहले पास हुआ फिर आंध्र प्रदेश में से याद हो, ठीक है। 73वां 74 73वां किसके लिए, गाँव वाले के लिए, और 14वां का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। अब 73rd समझ में आ गया। ये अब साइलेंट फ्यूचर, साइलेंट फ्यूचर का आर्टिकल कौन सा, पार्ट कौन सा, आर्टिकल क्या है। 24 अप्रैल को स्टार्ट होता मतलब 244, 24 अप्रैल मतलब 244, तो 243 में अठारह मतलब एक घटाना है, ठीक है। फिर से सुनो, 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ मतलब 244, तो 244 एक अटैक 247, और हम भी कहते एक्समैन, एक्समैन हुआ था तो एक्समैन से एक कम कर तो क्या हो जाएगा, तो एक्स मतलब 9th पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 9 और 244 आर्टिकल है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। फिर से 247 हो गया, ठीक है। अब एक्सीजी मतलब 73वां अमेंडमेंट हो गया। देखो व्हेन एंड फंक्शन आइटम, व्हेन कौन सा है, व्हेन एंड फंक्शन आइटम कौन सा है, ठीक है। तो देखो एक्सजीसी कौन सा, 73वां अमेंडमेंट, एक्सजीसी 73वां अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। एक्सजीसी मतलब 73वां अमेंडमेंट है, 1992 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। 73वां अमेंडमेंट 1992 स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी देखो डीपीएसपी, प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी में कौन सा डायरेक्ट प्रिंसिपल किस में आता है, 40 में आता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल का आर्टिकल कौन सा था, 40 आता है। डी मतलब 4 है तो 40, ठीक है। ग्राम सभा क्या, फाउंडेशन ऑफ, उसको पंचायती राज सिस्टम को बोलता है फाउंडेशन, वो बोलता है, ठीक है। ग्राम सभा क्या, फाउंडेशन यूनिट को बोलता है पंचायती राज, ठीक है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या समझते हैं कि 1/3 लोकल बॉडीज में, ठीक है। मतलब देखो बाकी कोई लेवल में है नहीं बट लोकल में 1/3 वो है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल क्या बोलता है, अब देखो फिफ्थ शेड्यूल मतलब क्या है तुमको उपलब्ध समझ गया, कहाँ है कहाँ नहीं समझ में आ गया, कि लोकल बॉडीज में है बाकी जगह नहीं, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल मतलब क्या बोलता है तुमको, फिफ्थ मतलब 5 ट्राइब में, 5 मतलब फिफ्थ शेड्यूल। ट्राइबल एरिया में क्या होता है, ग्राम सभा पावर में होता है और वो माइनर मिनरल्स पे उसका वो होता है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज में मतलब फिफ्थ शेड्यूल लागू होता है, वहाँ माइनर होता है, ठीक है। रीजन फॉर इनएक्टिव परफॉर्मेंस, इसका रीजन कौन कौन सा है ये देखो, 3F प्रॉब्लम, 3F कौन कौन सा प्रॉब्लम, फंड फंक्शन, 3 प्रॉब्लम है मतलब फंड फंक्शन और फंक्शनरीज, 3 प्रॉब्लम, ठीक है। फंड मतलब क्या, स्टेट कंट्रोल, फंड फंक्शन और फंक्शनरी। फंड मतलब क्या हो कि स्टेट कंट्रोल करता है पावर को अपने पास, फंक्शन मतलब क्या रेगुलर मीटिंग नहीं होता, फंक्शनरीज मतलब ब्यूरो के सिर्फ वीक ऑडिटिंग, ठीक है। फिर से सुनो, फंड फंक्शन फंक्शनरी 3 है, फंड मतलब क्या स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा है, फंक्शन मतलब क्या रेगुलर मीटिंग नहीं होता है, और फंक्शनरी मतलब क्या ब्यूरोक्रेसी और वीक अथॉरिटी, ठीक है। अभी देखो वोमेन कहा, ठीक है, वोमेन रिप्रेजेंटेशन, अब एक और इसका डिमिट क्या है, एक और वोमेन रिप्रेजेंटेशन, वोमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मतलब पंचायती में वो वहाँ पति सिस्टम है, ठीक है। पंचायती है, पंचायत पति पंचायत है बट वहाँ क्या है, वोमेन में है बट वोमेन, ठीक है। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड देखिए, ठीक है, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या है कि स्टेट, स्टेट में क्या डेवलप प्रॉपर, स्टेट को प्रॉपर मैकेनिज्म डिपॉइंट करना चाहिए, फंक्शन के लिए कि रेगुलर मीटिंग नहीं होता तो मतलब क्या वीडियो रिकॉर्डिंग मरवाओ, फंक्शन नहीं मतलब क्या मोर पावर एंड मनरेगा डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर सुनो, फंड में क्या स्टेटस प्रॉब्लम था तो फंड क्या डेवलप फिर प्रॉपर में करें, फंक्शन मतलब क्या कि रेगुलर वीडियो रिकॉर्डिंग, फंक्शन मतलब मोर पावर एंड मनरेगा टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ज़्यादा दो और मनरेगा स्कीम से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बस इतना याद रखो। अभी देखो, अभी यह है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मिल 2000, ये क्या है कि सॉरी कमेटी ने एक रिपोर्ट समिट किया 1997 में, जिसको यूज किया गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000 बनाने के लिए। फिर सुनो, सॉरी कमेटी ने एक रिपोर्ट समिट किया 1997 में, जिसको यूज किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल 2000 बनाने के लिए, ठीक है। इस बाद हुआ कि जुलाई 2005 में, जुलाई 2005 में एक नया बिल वो किया गया, जुलाई 2005 में एक बिल बनाया, फिर अक्टूबर 2005 में एक नया स्टार्ट, फिर से जुलाई 2005 में बनाया और अक्टूबर 2005 में स्टार्ट किया, ताकि अकाउंटेबिलिटी का मेन काम क्या है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दो चीज मेंटेन करना। फिर सुनो क्या है, जुलाई 2005 में स्टार्ट हुआ, पास किया गया और अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, मेन काम क्या है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, दो चीज अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये दो चीज आपको लाना है, ठीक है। साइलेंट फ्यूचर, ये देखो टाइम फ्रेम, साइलेंट फ्यूचर में 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है, 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है, नहीं हुआ तो 30 से 45 दिन में उसको आप अपील कर सकते हैं। फिर सुनो, 30 दिन में उसको रिप्लाई करना है, नहीं हुआ तो 30 से 45 दिन में आप अपील कर सकते हो, 30 से 45 दिन में अपील कर सकते हो, 1st 2nd अप्रैल 90 डिग्री में। फिर से सुनो, 30 दिन में उसको रिप्लाई करना है, 30 से 45 में उसको क्या रिप्लाई करना है, 30 से 45 दिन में, ठीक है, और 2nd अप्रैल अब 90 दिन में करना है, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा अभी याद हो कि 3 टायर सिस्टम था, 3 टाइम सिस्टम होता, पहला तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसके बाद फर्स्ट अपडेट हुआ, दूसरा का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सुनो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट अपडेट हुआ, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन, और ये वहाँ इस बात क्या होता है, जो मेंबर मीन होता है ना कोर मेंबर, ये देखो कोर मेंबर का एक सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर में क्या होता है, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 सेंट्रल ऑफिसर, देखो जो सेंट्रल ऑफिसर होता है ना 10 होते हैं, ठीक है। 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, 1 चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन, और 10 का तो सेंट्रल जो अपने ऊपर लिया है वो ये हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया ये चीज़। अब नया अमेंडमेंट, नया अमेंडमेंट तुमको क्या है, नया अमेंडमेंट तुम्हारा ये आया है कि जो जो टर्म्स ऑफ सर्विस और पे स्केल दोनों वही डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ठीक है। टर्म्स ऑफ सर्विस और पे स्केल दोनों कौन पॉलिटिशियन डिफाइन करेंगे, ठीक है। चैलेंज, चैलेंज समझ में आ गया। पहला अमेंडमेंट्स का चैलेंजेस क्या है कि अवेयरनेस रखना, अवेयरनेस है नहीं, ठीक है। दूसरा का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, तीसरा का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, बस याद रखो। चलो एक देखो, एक डी ज्यूरो एक्सिक्यूटिव होता है गवर्नमेंट, एक डी ज्यूरो होता है और डी फैक्टो होता है, ठीक है। डी फैक्टो, डी फैक्टो मतलब एक्चुअल रियल मतलब, और ये मतलब जो दिखता है वो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि एज फैक्टर, एज फैक्टर याद है, ठीक है। देखो इलेक्शन मतलब वोटिंग करने का 21 है, लोकसभा के एमपी का 25 है, राज्यसभा के एमपी का 30 है, और गवर्नर भी प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। फिर सुनो, वोटिंग के लिए 21, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, गवर्नर के लिए 35, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नॉमिनेटिव पावर, नॉमिनेटिव पावर मतलब क्या है, ये देखो नॉमिनेटिव पावर ये रहा कि नॉमिनेटिव पावर के 1/6 एमएलए को करता है, 1/6 एमएलए को गवर्नर, 1/6 एमएलए को एमएलसी में 1/6 भेजेगा, और एक एंग्लो इंडियन, फिर सुनो 1/6 एमएलसी और एक एंग्लो इंडियन ये करेगा, ठीक है। अब एक मनी पावर से रिलेटेड क्या है कि मनी पील है ना, वो सिर्फ उसके उसके रिकमेंडेशन के बाद ही होगा, ठीक है, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ओसी टेस्टेड, ओसी टेस्टेड मतलब क्या हो, ये देखो ओसी टेस्ट, ओसी टेस्ट मतलब ये रहा गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ओसी टेस्ट मतलब समझ गया कि ये हो गया, ठीक है। अभी देखो ओसी टेस्ट मतलब क्या, 135 ये ओसी टेस्ट है, गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए है, ठीक है। अब तो चीफ मिनिस्टर, पहली बात रियल ये तो सबको पता है, ठीक है, रियल सबको पता है, ठीक है ठीक है। अब दूसरा का 91st अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट ये क्या है, 91st अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है। आइए फर्स्ट मतलब आइए कैबिनेट में, 91st मतलब आइए कैबिनेट में, आइए कैबिनेट मतलब क्या बोलता है कि आइए कैबिनेट में, मतलब ये बोलता है क्या है एक्चुअली, ये बोलता है कि 91st अमेंडमेंट क्या बोलता है कि कैबिनेट में 15%, 15% मैक्सिमम और मिनिमम 12, ठीक है, 15% मैक्सिमम और 12 मिनिमम है, ठीक है। फिर 15% मैक्सिमम और 12 में। अब देखो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट में है कहाँ, ताऊ में बेकार, ताऊ में बेकार मतलब 30 है, तेलंगाना, आंध्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 20 से बिहार और 5 से कर्नाटका, ठीक है, ताऊ में बेकार, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली काउंसिल, ठीक है, स्टेट ऑफ असेंबली से देखो, देखो असेंबली का कितना होता है स्ट्रेंथ, 500 होता है, ठीक है, 500 होता है और 60 होता है, ठीक है। दो का यूज करते हैं यहाँ, दो का टाइम, ये दो का यूज करते हैं, यहाँ कितना 3 हो जाएगा और यहाँ होगा 40, मतलब क्या है देखो इसका स्ट्रेंथ असेंबली कितना 500 होता है 60, तो उसका कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 या 40, ये देखो 1/3 या 40 हो गया, फिर समझ में आ गया 500 और ये समझ में आ गया 1/3 ये। अच्छा चूज कैसे होता है ये देखो, पहली बात 1/12, 1/12 ग्रेजुएट और टीचर, ऐसा तो होगा टीचर हो जो पढ़ाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1/12, 1/12 होगा ग्रेजुएट और टीचर होगा, उसको दो से मल्टीप्लाई करो, दो बार वो है तो 1/6, 1/6 मतलब क्या होगा गवर्नर, मतलब 1/12, 1/12 क्या ग्रेजुएट और टीचर बनेंगे, 1/6 वो गवर्नर करेगा, और 1/3, 1/3 कौन होगा लोकल बॉडीज और लोकल एरिया लोकल असेंबली से। फिर सुनो, 1/12, 1/12 ग्रेजुएट और टीचर होगा, 1/6 गवर्नर करेगा, 1/3, 1/3 क्या लोकल बॉडीज और लोकल असेंबली से आएगा, समझ में आ गया, इतना काफी है। अब ये देखो, अब ये है कि ड्यूरेशन ऑफ टू हरीज कुछ खास नहीं, लोकसभा उसके बराबर, राज्यसभा उसके बराबर, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब स्पीकर और वाइस स्पीकर अलग कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा से फर्क क्या है उसमें, देखो उसमें सिर्फ स्पीकर होता है, वाइस स्पीकर होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ स्पीकर होता है और वाइस स्पीकर होता है, यहाँ का पैनल होता है, याद रहे इस पर पैनल होता पूरा, ये देखो हाँ, ये पैनल ऑफ स्पीकर होता है, पैनल ऑफ डिप्टी सीनियर, फिर यहाँ पैनल ऑफ स्पीकर, पैनल ऑफ डिप्टी सीनियर होता है, ठीक है। कोरम, कोरम का मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर टू प्रेजेंट बिफोर इट कैन ट्रांजेक्ट, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मतलब क्या है 10th या फिर 1/10 हो, कोरम क्या होता है 10th या फिर 1/10 हो, ठीक है। स्पेशलिटी अबाउट मनी बिल, मनी बिल का स्पेशलिटी क्या है, पहली चीज लोकसभा, लोकसभा से रिलेटेड क्या, देखो इसमें दोनों का लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा लोकसभा से ये रिलेट करो कि ओनली पास इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा पास होता है, ठीक है, राज्यसभा पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वोटिंग करने की वहाँ जरूरत नहीं है। फिर सुनो, मनी बिल का लोकसभा से क्या कनेक्शन कनेक्शन है कि ओनली पास लोकसभा, राज्यसभा से कनेक्शन, राज्यसभा से क्या है कि तो गवर्नर के असेंट के बात करेंगे, ठीक है, गवर्नर के असेंट जरूरत तो नहीं बट गवर्नर का असेंट चाहिए होगा, ठीक है, इतना याद रखो। अब ये देखो आर्टिकल 35, 35 आया कैसे, हाउ इट केम, कैसे आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में, ठीक है, 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ तो उसके थ्रू आया, कैसे आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या रखा, कट ऑफ डेट का रिलेशन देखो, कट ऑफ डेट रिलेशन कैसे रखेगा, 1954 का कैसे रिलेशन है देखो, 1954 है ना उसमें एक को पकड़ो और लास्ट वाले दोनों पकड़ो, तो 14/5, ठीक है, 14/5 मतलब 14 मई को स्टार्ट हुआ, फिर 1954 को पकड़ो, 14 मई 1954 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाउ हिंदू एंड मुस्लिम इन डिफरेंट, देखो 1954 में स्टार्ट हुआ ना,
फर्क क्या है हिंदू मुस्लिम के लिए, फर्क कैसा है कि देखो 1954 नहीं था, 10 साल पहले कट ऑफ, मतलब 1944 तक कट ऑफ हुआ, ठीक है 44 तक कट ऑफ हुआ, बट मुस्लिम के लिए क्या मार्च 1947 तक कट ऑफ है, ठीक है। हाँ मतलब क्या मार्च 1947 से 1954 में जो आया उसको सिटीजनशिप हम दे सकते हैं, मार्च 1954 से 1947 में आया उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम अगर है तो मार्च 1947 से 1954, मई 1954 से दिया तो उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। और हिंदू के लिए क्या 10 साल पहले वाला कट ऑफ है, ठीक है, याद रहे मार्च, उसे समझ में आ गया, उसके लिए कट ऑफ है, ठीक है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये कि पहली बात प्रॉब्लम है कि आया कैसे है, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। जॉब में क्या प्रॉब्लम है कि जॉब जो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट को मिलता है, और एक जो काम करने वाले होते हैं ना स्कैवेंजर्स लोग, उसको प्रॉमिस किया कि तुम यहाँ आओ वही काम करो जनरेशन तक, तुम वही काम करना है पर हम तुमको उसके बदले स्टूडेंट देंगे, बट नहीं मिला, ठीक है। फिर सुनो कैसे आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हुआ। जॉब जॉब में क्या है, जॉब सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट को मिलता है, और स्कैवेंजर्स को आपने प्रॉमिस किया बट फिर भी उसको नहीं मिला। मैरिज, मैरिज के बाद की हेयर है ना जिसका वारिस होगा वो आपको राइट टू प्रॉपर्टी लूज कर देंगे, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी लूज कर देंगे, इतना याद रखना, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब इसके बाद ये देखो आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 में क्या प्रॉब्लम है, रिमूविंग में प्रॉब्लम क्या है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, देखो ये देखो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो डिजॉल्व हो गया बिना वो किए, ठीक है। ये देखो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिजॉल्व ऑन 25 जनवरी 1957 विदाउट अकोमोडेशन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो डिजॉल्व कर देगा 25 जनवरी 1957 को विदाउट अकोमोडेटिंग अमेंडमेंट फॉर आर्टिकल 370, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, एफ आर फंडामेंटल लेसन, मतलब एफ आर, एफ आर मतलब कि फंडामेंटल राइट, वो राइट प्रॉपर्टी यहाँ है, क्या है फंडामेंटल राइट, क्या नहीं है एफ और डीपीएसपी, फिर से सुनो क्या है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, अभी भी है, क्या नहीं है एफडी और डीपीएसपी, ये दोनों चीज नहीं है, एफडी और डीपीएसपी नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी और वो।